हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज सियासी गुप्ता, आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एलएलपी क्या होती है। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की कंपेरिजन में हम एलएलपी बनाना क्यों बेहतर समझेंगे, क्या फायदा है एलएलपी बनाने का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स कि इनकम टैक्स में एलएलपी की क्या ट्रीटमेंट की जाती है, एलएलपी के ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगेगा या जो भी इसकी और ट्रीटमेंट की जाएगी वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो एलएलपी के पे टैक्स है वो पार्टनरशिप फर्म की तरह 30% टैक्स लगेगा, प्लस में एजुकेशन सेस लगेगा, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो। ठीक है, दूसरी चीज फ्रेंड्स, अच्छा जो प्रॉफिट पर टैक्स दे दिया फर्म ने, जो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके हैंड में, मतलब एक पार्टनर्स के हैंड में, उसकी क्या ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स? क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? नहीं फ्रेंड्स, उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो आपके हाथ में बिल्कुल एग्जम्प्ट है। ना ही फर्म को किसी तरह का कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना, ना ही आपके हाथ में वो टैक्सेबल होगा। और फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में भी फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब जो डिविडेंड दिया जाएगा वो आपके हैंड में टैक्सेबल हो करेगा। चलो फ्रेंड्स, अच्छा जो हम पार्टनरशिप फर्म के केस में, जैसे हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी, सैलरी की डिडक्शन मिलती थी सैलरी टू पार्टनर्स की, क्या वो हमें एलएलपी में भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल फ्रेंड्स, उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं कितनी मिलेगी फ्रेंड्स। इंटरेस्ट जो मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, मतलब जो आपने कैपिटल लगाई है एक किस्म की, उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12% तक इंटरेस्ट दिया जा सकता है, उसकी डिडक्शन अलाउड है इनकम टैक्स में आपके प्रॉफिट में से। ठीक है, और जो सैलरी है फ्रेंड्स, सैलरी की कितनी है? सैलरी की दो कंडीशन फ्रेंड्स। अगर आपका बुक प्रॉफिट की बात करता हूं फ्रेंड्स, अभी बताऊंगा ये बुक प्रॉफिट क्या होता है। बुक प्रॉफिट अगर 3 लाख तक है, अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख है, तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और रुपीज 1,50,000 विच एवरेज हायर। ठीक है, 1.5 लाख रुपए या फिर 90% बुक प्रॉफिट का, इन दोनों में से जो ज्यादा होएगा उतनी आपको सैलरी की डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा रिमेनिंग बुक प्रॉफिट पे फ्रेंड्स, 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट, मतलब कि बुक प्रॉफिट का 60%। ठीक है, इतनी आपको सैलरी की डिडक्शन अलाउड होगी, इससे ज्यादा अलाउड नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बुक प्रॉफिट क्या है। बुक प्रॉफिट आप ये लगा लीजिए, मान लो आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है, उसके अंदर आपने इंटरेस्ट टू पार्टनर्स की भी डिडक्शन ले रखी है, उस सैलरी टू पार्टनर्स भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, तो आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट में जो सैलरी टू पार्टनर्स है उसको ऐड कर लोगे, और अगर आपका इंटरेस्ट जो पार्टनर्स को दिया गया वो 12% से ऊपर है, तो जो अमाउंट एक्सेस है उसको आप ऐड कर लोगे। ये आपका निकल के आ गया बुक प्रॉफिट। क्या बोला फ्रेंड्स मैंने? नेट प्रॉफिट में सैलरी टू पार्टनर्स ऐड कर लोगे, प्लस जो इंटरेस्ट दिया गया पार्टनर्स को 12% से ऊपर वो ऐड कर लोगे, ये आपका बुक प्रॉफिट निकल गया। और बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको सैलरी की डिडक्शन पता चल जाएगी कि आप पीएनएल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कितनी अलाउड हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया फ्रेंड्स। अच्छा, जो सैलरी और इंटरेस्ट आपको मिलेगी, मतलब जो पार्टनर्स को मिलेगी, वो आपके हाथ में फ्रेंड्स टैक्सेबल होगी। किस हेड में? पीजीबीपी हेड में, बिजनेस हेड में, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि एलएलपी पे टैक्स कितना लगेगा। ठीक है, एलएलपी में से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो आपके हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा? नहीं होगा फ्रेंड्स। जो सैलरी और इंटरेस्ट है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड के अंदर। अच्छा सर, एक सेक्शन 44AD है जो कि पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल भी है, जिसके अंदर कहा जाता है कि 8% से ऊपर प्रॉफिट दिखा दीजिए, ठीक है, तो आपकी ऑडिट नहीं होगी, क्या वो भी एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं फ्रेंड्स, वो एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी वो
कंसीडर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेक्शन 44 ए बी इनकम टैक्स के हिसाब से बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, ठीक है, LLP एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको सेक्शन 44 ए बी देखना पड़ेगा। 44 ए बी में वही लिमिट है फ्रेंड्स आपकी, जैसे आप जानते हो 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो आपको अगर आपकी LLP की सेल 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स के हिसाब से आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता था और LLP पे पहले भी एप्लीकेबल नहीं होता था फ्रेंड्स, आगे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने फ्रेंड्स LLP की आपको इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट सारी बता दी अपने हिसाब से, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर कर सकूं। और फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो काम की रही हो तो इसे लाइक करना फ्रेंड्स, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह की मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा वो आप तक इजीली पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।